प्रधान नरेंद्र मोदी लगभग 10 वर्ष बाद 1500 आदिवासियों ना शहीद स्थल मानगढ़ धाम में पहुंचा था तो मोदी ये संबोधन करता है कि उस शेख 1857 ना स्वतंत्रता संग्राम पहला आदिवासी समाज से आजादी नो ब्यूगल वगाड़ियो हतो। आदिवासी समाज ना योगदान ना अपने ऋणी छे। आ पहला प्रधान मोदी ए शहीद स्मारक पर जई आदिवासियों ने श्रद्धांजलि आपी हती। जो कि मोदीए मानगढ़ ने राष्ट्रीय स्मारक तरीके जाहिर कर्यू नथी। मोदीए कह्युं छे के मानगढ़ धाम ने भव्य बनावानी दरेकनी इच्छा छे। तो एमपी राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र अंगे एक विस्तृत चर्चा योजना तैयार करो। मानगढ़ धामना विकास माटे रूपरेखा तैयार करो। चार राज्य और भारत सरकार मळी अने नवी ऊंचाई लई जशे। आ कार्यक्रम में राजस्थान ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हाजरी की प्रशंसा करता मोदीए कहू कि सीएम तरीके अमे साथे मळी अने काम कर्यू। अशोक गहलोत अमारा बधा में सौथी सीनियर हता। अशोक गहलोत हजू पण स्टेज पर बैठेला लोको में सौथी वरिष्ठ सीएम छे। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरुजी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरुजी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरुजी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे। सबसे सीनियर मुख्यमंत्री अब है और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर और उड़ीसा तक विविधता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आज देश स्पष्ट नीतियों के साथ काम कर रहा है। वनबंधु कल्याण योजना के जरिए आज जनजातीय आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आज देश में वन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरक्षित की जा रही है और साथ ही आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक कौशल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले इसके लिए
एकलव्य आदिवासी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं।